हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एक लव्यास नाटक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 138, यानी कि बैगला 138 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 7 है हमारा और हम इसमें देखने वाले हैं नैरेटिव टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो, किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़्यादा जानकारी के लिए देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर आपका 6 तक जो है यहाँ पर पूरा हो चुका है। ठीक है, और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 7 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं कि नैरेटिव टेक्स्ट जो है हमारा क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है कि नैरेटिव टेक्स्ट क्या होता है। तो आपने अनुभव किया होगा कि ये जो नैरेटिव टेक्स्ट है ये एक तरह का स्टोरी बयां करने का तरीका होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसे मान के चलिए कि आप पिकनिक पे गए। ठीक है, और पिकनिक पे गए और आप क्या किसी को स्टोरी सुना रहे हो, तो स्टोरी सुनाते समय आप उसको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से और अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके भी उसको सुना सकते हो, क्रिएटिव आइडिया की तरह। ठीक है, वैसे तो आपकी वो रियलिटी स्टोरी है, ये रियलिटी भी हो सकती है। ठीक है, और फिक्शन भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपके साथ क्या है, कल्पना वाली भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि अगर आप स्टोरी उनको सुनाओगे, किसी भी सामने वाले पर्सन को आप सुना रहे हो, तो आप उसको क्या है, उसको आप जो सुनाओगे तो उसका एक तरीका होता है कि आप उसे सुनाओगे कि हम गए। ठीक है, पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद क्या है कि मान के चलिए आपके साथ क्या अच्छा अनुभव हुआ, क्या बुरा अनुभव हुआ, उसको शेयर करोगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, एक तरीका होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं बस ये क्या होता है कि नैरेटिव टेक्स्ट क्या है, एक स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है। ठीक है, जिसमें फिक्शन भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी लेखक होता है वो जो है बयां करता है अपनी चीज़ों को, चाहे वो काल्पनिक रूप से करे, वास्तविक रूप से करे, और उसकी इमेजिनेशन के ऊपर भी क्या है, ये निर्भर हो सकती है। जैसे मान के चलिए आपकी वो रियलिटी वाली कोई स्टोरी है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत जो है उसको मिलाकर बोलते हैं हम एक तरीके से। ठीक है, हम अपने क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो कोई सी भी हो, इसके अंदर भी दोनों आती है अपनी, नैरेटिव्स के अंदर फिक्शनल भी आती है और नॉन फिक्शनल भी आती है। ठीक है, तो इसको ही बहुत अच्छे से यहाँ से समझेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रहमत हुसैन और डॉक्टर अनी होलिया, तो इनके अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनके अनुसार है ये क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग है, ये जो नैरेटिव है, इसके अनुसार क्या है कि ये कह रहे हैं कि सामाजिक कार्य है ये, मतलब सामाजिक कार्य कहानी सुनाना है। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अंदर में क्या है, जो हमारा कथा होता है उसको हम जो है बयां करते हैं। ठीक है, उसकी एंड बताते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है वो बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, फिर हम उसकी एंडिंग बताते हैं, चाहे वो हैप्पी एंडिंग हो या सैड एंडिंग हो। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे ही होता है, इन्होंने कहा है कि जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा जाता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट। ठीक है, फीचर्स ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पर कथात्मक ग्रंथों की विशेषताएं। ठीक है, कुछ भी जो चीज़ें हम अगर मान के चलिए आप यहाँ पर सुना रहे हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसके अंदर जो है क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे हम इसमें। यहाँ पर देखिए जो फीचर्स है नैरेटिव टेक्स्ट के, वो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, हमें उसको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने है थीम। थीम क्या होता है दोस्तों, तो थीम आप समझ रहे हो, थीम जो है मेन आइडिया। ठीक है, वो जो चीज़ है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो जो टेक्स्ट जो लिखा गया है वो किस चीज़ के ऊपर है। जैसे मान के चलिए कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो हम नैरेटिव बता रहे हैं यहाँ पर, उसका थीम क्या है। ठीक है, उसके अंदर किस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर है वो होंगे, जैसे कि व्हाट इज द दिस टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट है, वो जो एसे है, वो किस चीज़ के ऊपर है, वो सभी जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर किस विषय पर है। ठीक है, उसी उसी को यहाँ पर हम थीम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने थीम वेडिंग वगैरह के बारे में सुना होगा,
ठीक है, तो उसमें वो जो थीम होती है वो किस थीम के ऊपर होती है वो बेस्ड, थीम डिस्कस द वेरी पर्पस ऑफ राइटिंग, ठीक है। थीम जो है, थीम डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि वो जो निबंध है वो किस बारे में है, ठीक है, विषय वस्तु जो लिखा जा रहा है वो किस उद्देश्य पर है उसकी चर्चा करना, वो सारी चीज़ें। बी दोस्तों, सेटिंग, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है नैरेटिव के लिए। अगर हम बात करें तो सेटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम टाइम के और प्लेस की चर्चा करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर वो सारी जो चीज़ें हैं, कौन सी जगह पे है, किस समय में जो है वो जो चीज़ें हैं वो घट रही है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम सारी जो बात करते हैं, आपने सुना होगा जब ऐसी किसी चीज़ की बात होती है, जब मान के चलिए आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, स्टार्टिंग के अंदर ही हम बताते हैं, स्लोली स्लोली इस टॉपिक पर आते हैं, जैसे जैसे हमारा नैरेटिव डेवलप होता रहता है, उसी टाइप से जो हम समय की चर्चा करते हैं कि किस समय पर कौन सी चीज़ें जो है वो आई, धीरे धीरे हम उस चीज़ों पे आते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन एंगेजिंग द रीडर्स इन टू द स्टोरी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रीडर होता है वो इन सब चीज़ों को क्या है बताता है धीरे धीरे, ठीक है। और अगर हम नैरेटिव के लिए बात करें तो नैरेटिव इसमें स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझ पा रहे हो सेटिंग कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, और यही जो है इस चीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। टाइम टाइम और जगह वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर की, तो आपको पता ही होगा कि नैरेटिव्स के अंदर, जैसे कि मान के चलो आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी के ऊपर जो है सारी चीज़ें होती हैं, उसी के अंदर हम चीज़ों को समझते हैं, हमारा जो कंटेंट है उसी के ऊपर जो है बेस्ड होता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो किस हिसाब से, उसमें क्या है, गुण है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। और जो कैरेक्टर होता है दोस्तों वो निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, ठीक है। आपने सुना देखा होगा कहीं पर कैरेक्टर वगैरह, कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो निर्जीव हो, ठीक है, और कुछ जीव भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो इसमें यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर में। कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं वो कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, आपने सुना होगा कोई स्टोरी वगैरह, तो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके गुण वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए कि हम कोई स्टोरी वगैरह सुना रहे हैं, उसमें जो कैरेक्टर है हमारा, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम कभी भी फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा ही क्या है यहाँ पर मेन कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द जो है कहानी वगैरह चलती रहती है, उसी के व्यूज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और उसके अगर हम प्रनाउंस करने की बात करें तो आई और वी से जो है उसको यहाँ पर प्रनाउंस जो है वो किया जाता है। उसके बाद आता है अपना सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन भी जरूरी होता है, ठीक है। ऑथर कई बार बोल रहा होता है, ठीक है, यू और यूअर इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए प्रनाउंस किया जाता है, ठीक है। और कई बार जो लेखक वगैरह है वही इसका जो है वो ज़्यादातर जो प्रयोग है वो करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन भी होता है आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होते हैं वो, ठीक है। इसके लिए हमेशा ही का इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं, शी का इस्तेमाल करते हैं, दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये अपने जो है तीनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। और आपको पता ही है यहाँ पर जो प्रथम व्यक्ति होता है यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है उसे ही आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो है प्रेफर किया जाता है, ठीक है, पसंद किया जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं कि कथा ग्रंथों की रचना, ठीक है। यानी कि जैसे मान के चले कि आप कथा वगैरह इसमें सुना रहे हो, कुछ भी स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, किस तरीके के उसके टाइप हैं, आप समझ पा रहे हो, मतलब कि इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन आती है फिर उसका रिसोल्यूशन करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए आप यहाँ से समझ के चलिए कि अगर हम नैरेटिव टेक्स्ट की बात करते हैं और उसके अंदर अगर आप किसी को स्टोरी वगैरह बताते हो या आपने कभी ऐसे वगैरह पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा सबसे पहले क्या होता है, बिगेनिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले उसमें हम शुरुआत की बात करते हैं, फिर अपना जो मिडल है उसके अंदर जो टॉपिक आता है, और उसके बाद अपना एंड हो जाता है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम, इसमें हमारा जो सेटिंग वगैरह है ये सारे इंक्लूड होते हैं, जगह इंक्लूड होता है, समय इंक्लूड होता है, ठीक है। मिडल में हमारा मेन टॉपिक आता है, ठीक है।
और एंड में या तो हैप्पी एंडिंग होती है, तो सैड एंडिंग होती है, कुछ सीखने वगैरह को जो है वो मिलता है। तो यही सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, सिचुएशन क्या है वो देखते हैं, समय वगैरह क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बहुत डिटेल में जो इसके ऊपर जो बात होता है क्या उसके, फिर लास्ट में जब ख़त्म होता है ये जब उसका, तो उसमें क्या आउटकम निकलता है उससे, ठीक है। दुखी वाली बात होती है, खुशी वाली बात होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, या कुछ सीखने वाली बात होती है उसके अंदर, है ना। होता है ना कि मतलब कुछ ऐसी घटना होती है उसके बाद हमें जो कुछ सीख मिलती है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हमारे सामने है वो हमारे सामने ओरिएंटेशन, इसे समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हमारा जो है ओरिएंटेशन लिखा जाता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो लिखा जाएगा उसमें इंट्रोडक्शन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसमें लिखा जाता है, जो भी हम नैरेटिव टेक्स्ट वगैरह जो है लिखते हैं इसमें करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। मेन क्या है इसमें, करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेटिंग बताई जाती है इसके अंदर में कि कौन से सन वन में लिखा गया है, इस सभी चीज़ों को इसमें रिवील किया जाता है, ठीक है। इसमें भी रिवील किया जाता है कि ये किसके बारे में है, ठीक है, किसके बारे में है, क्या स्टोरी है, पहले पैराग्राफ में ये सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम से बताई जाती है, जिससे क्या है जो रीडर्स है उनका अटेंशन बढ़े। अगर कुछ ऐसी चीज़ें इसमें बता दी जाती है पहले ही, जैसे कि पर्पस बता दिया कि क्या पर्पस है स्टोरी का, क्या इसमें कुछ रोमांचक चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि ओरिएंटेशन में बता दी जाती है, तो इससे क्या है जो पढ़ने वाला बंदा है वो थोड़ा अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ और पूरे पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, और जैसा कि आपको पता ही है ये क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस होता है ऐसे वगैरह का, ठीक है, यानी कि शुरुआत ही कह सकते हैं इसमें। इसमें सभी चीज़ें बताई जाती है, बैकग्राउंड वगैरह बताया जाता है, करेक्टर जो सॉरी कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है कि इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिवील की जाती है, कैरेक्टर का नाम वगैरह, सिचुएशन, इतिहास, कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब समझ रहे हो ना आप। जैसे मान के चलिए कि हमने क्या है, एक सिंपल सा उदाहरण लेके चलते हैं, हमने क्या बताया कि समुद्र के ऊपर कुछ सीन है, ठीक है, और उसमें क्या है जहाज है, उसके अंदर बहुत सारे जो कोई पायलट बैठा हुआ है जहाज को चलाने वाला, कुछ बंदे हैं उसके, तो ऐसे करके कुछ सीन दिया हमने, बैकग्राउंड बनाया कि समुद्र का सीन है, सिचुएशन बनाया, टाइम बनाई, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम बताई कि अब क्या है यहाँ पर पानी की जो लहरें बहुत तेज हो रही है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो पहले ही बताया जाता है, ठीक है, जिससे जो पढ़ने वाला हो उसको मजा आए आगे पढ़ने में, ठीक है, वही चीज़ें होती है। अगला है दोस्तों हमारा, ये होता है हमारा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन ही आप एक तरह से बॉडी समझ लो उसका, बॉडी पार्ट, ठीक है। जैसे अपना होता है ना इंट्रो, ठीक है, उसके बाद होता है बॉडी, और उसके बाद होता है अपना कैलकुलेशन कंक्लूजन, ठीक है। तो इसी में आप इसको ना बॉडी समझिए कॉम्प्लिकेशन का, क्योंकि इसी में जो है मेन चीज़ बताई जाती है। इट हैज़ द इमरजेंस ऑफ द क्राइसिस, जैसे मान के चलिए इसमें कोई ऐसी चीज़ हुई, संकट वाली चीज़ हुई, ठीक है, तो उसे बताया जाता है, उसे रिजॉल्व कैसे करेंगे ये बताया जाता है। इसमें जो मेन स्टोरी है उसी को यहाँ पर अनफोल्ड किया जाता है, कुछ इवेंट वगैरह है तो इसको इसमें बताया जाता है। तो इसी में सिचुएशन पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है सारी चीज़ें कि क्या हुई, ठीक है, क्या हुई, कैसे हुई, और क्यों हुई, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टोरी के अंदर बताई जाएंगी, मेन जो बात आएगी वो इसी के अंदर होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पर रिसोल्यूशन किया जाएगा उसका, यानी कि इसमें उसका हल किया जाएगा। हाँ, तो इसी में क्या किया जाएगा, इसी में इसका कंक्लूजन एक तरह से, या आप इसको निष्कर्ष कह सकते हो, ठीक है। और इसी निष्कर्ष में सारी जो बातें हैं वो बताई जाएंगी कि किस तरीके से प्रॉब्लम आई, किस तरीके से उसका सोल्यूशन किया जाए, ठीक है। ऐसे सिंपल भाषा में आप क्लाइमेक्स कह सकते हो, ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स, तो क्लाइमेक्स है ये। इसी में सारी चीज़ें होती है कि कैसे कौन सी चीज़ हुई, मेन कोई बात है तो इसी के अंदर होगी, प्रॉब्लम कैसे आई, उसका सोल्यूशन कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें। यह दोस्तों हमारा लास्ट, ये हमारा कोडा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स देखे, ठीक है, जिसमें इंट्रो था, उसकी बॉडी थी, वो सारी चीज़ें थी, तो इसी तरीके से ये आप लास्ट समझ लीजिए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारी एंडिंग पार्ट्स बताई जाती हैं, ठीक है, कि हमें इस चैप्टर से जो है क्या सीख मिली, ठीक है, इस पूरे चैप्टर स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको आसानी से यहाँ से जो है हल वगैरह कैसा गया, कैसे किया गया। इसमें क्या है, हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, बैड एंडिंग, सैड एंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग हुई, कैसी एंडिंग हुई, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें बताई जाती है पूरे, मतलब आप समझ रहे हो ना, जो लास्ट में जो कुछ लाइनें लिखी होती है, कभी कभार क्या होता है कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है, कभी कभार जो है कुछ दिक्कत भी हो जाती है, कभी कभार क्या होता है कि पूरे प्रोसेस समझाने पर हमें समझ में आता है कि इस चैप्टर में क्या बताया था, कुछ लाइन लिखी होती है कुछ महत्वपूर्ण बात, ठीक है, जिसे जो हमारी ज़िंदगी में प्रभाव डाल सकता है, अच्छा समझ रहे हो ना, मतलब कुछ अच्छी बात है, पूरा प्रोसेस करके उसे जो है वहाँ पर बताया जाता है स्टोरी के
एंड में, तो वो ये वो वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपके लिए, यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और वो क्या है कि हमने अभी जितने भी स्टेप्स सीखे हैं, अब क्या है कि हम उसे एक नैरेटिव टेक्स्ट सैंपल लाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये नैरेटिव टेक्स्ट सैंपल वैसे आपको खुद से ही पढ़ना होता है, आपको ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन मैं आपको इस वाले में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्या है कि आप चैप्टर में देखना लास्ट में, मतलब ये जो अपना यूनिट होता है इसके लास्ट में हमने जो भी पढ़ा है तो उसका एक सैंपल तैयार किया जाता है, ठीक है। सैंपल आप नमूना समझिए इसे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस नमूने में आपको क्या है कि अभी जितने भी आपको पॉइंट वगैरह बताए गए हैं, तो इसी हिसाब से आपके लिए एक स्टोरी तैयार कर दी गई है, ठीक है। तो इसमें स्टोरी जो है छोटी सी थी तो आपको बता रहा हूँ, बाकी किसी किसी में बहुत बड़ी स्टोरी जो है वहाँ पर ली जाती है, ठीक है। तो वो पूरी स्टोरी बताना आपको वहाँ पर क्या है पॉसिबल नहीं हो पाता, तो यहाँ पर आपके लिए स्टोरी ली गई है, इसे समझिए। देखिए इसमें जो भी हमने अभी तक पॉइंट पॉइंट की बात की है, ठीक है, जितने भी हमने पॉइंट्स की बात की है वो सभी आपकी स्टोरी में आ जाएगी, कि कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे उनके सामने जो है कुछ दिक्कत आई, फिर उस दिक्कत का कैसे सोल्यूशन हुआ, और फिर लास्ट में उनको क्या अनुभव हुआ, ठीक है। तो इस स्टोरी में शायद लास्ट में उनको अनुभव होता है, वो अनुभव वो भूल नहीं पाएंगे, मतलब कुछ सैड सा ही होता है, ठीक है, इनके साथ मतलब कुछ भयानक सा इनके साथ जो है हादसा होता है, और उनको ऐसा लगता है कि ये बुरा हो सकता था पर बुरा कुछ होता नहीं है, तो उसी टाइप का ये है, ठीक है। इसे देखते हैं यहाँ पर, तो ये है दोस्तों आपकी जो है ये सैम्पल स्टोरी है, ठीक है, इसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, वी अराइव्ड मच लेट एट नाइट, यानी कि रात को ये लोग क्या है यहाँ पर देर रात को पहुँचे, ठीक है। तो देर रात को जब पहुँच रहे थे तो उधर से वो आ रहे थे, तो उधर आने में ही क्या हुआ उनको, घर जब आ रहे थे तो उन्होंने क्या है कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। और सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन है यहाँ पर डार्कनेस की, यानी कि अंधेरा हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर जब इन्होंने देखा तो यहाँ पर सेंसिल और फ्रैंक की बात की जा रही है, तो सेंसिल और जो फ्रैंक है ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्यों, क्योंकि हवा चल रही थी, वो जो जंगल था पहाड़, जो पहाड़ी इलाका होता है, जो जंगल जैसी जो जगह होती है वहाँ से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है। तो इनको क्या है वहाँ पर जो है डर लग रहा था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हाँ ठंडी हवा चल रही थी, देख ली हमने यहाँ पर, और रात को क्या है एक्सट्रीमली कोल्ड जो है यहाँ पर हवा चल रही थी, ठीक है। और इनको क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, ठीक है। विंटर आप सर्दी जैसा समझ सकते हो, बहुत ठंड थी वैसे ही, ठीक है। तो वो जब वहाँ से आ रहे थे तो कुछ किलोमीटर पे ही, ठीक है, उन्हें एक बड़ा सा जो है विशाल घर दिखा, और उसको घर दिखने के बाद क्या है वहाँ पीछे से, घर के पीछे से उनको आवाज़ आई गोलियाँ चलने की, ठीक है। यानी आप यहाँ तक समझ गए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि घर की तरफ आ रहे थे ये, और अंधेरा हो रखा था और कुत्तों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी भौंकने की। तो और सिचुएशन क्या है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में ये सिचुएशन है कि इलाका कैसा है पहाड़ वाला, जंगल वाला, और वहाँ से ठंडी ठंडी जो है हवा वो बह रही है, तो इनको और वहाँ पर डरावना सा फील हो रहा था, ठीक है। और कुछ किलोमीटर रह गए थे बड़े से घर में पहुँचने के लिए, और वहीं से पीछे से अचानक से कैसी आवाज़ आई, गोली चलने की आवाज़ आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आप समझ पा रहे हो, ये बताया यहाँ पर पहले, अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या बता रहे हैं। अब यहाँ पर गोलियों चलने की जब आवाज़ आई तो फिर इन्होंने देखा तो इनको यहाँ पर क्या है कि तीन ऑफिसर दिखे, जो कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हो ना, ऑफिसर जो वर्दी वाले जो अपने अधिकारी वगैरह होते हैं, ठीक है, वो दिखे इनको, और उनको वो दिखे, और उन्होंने इनको पूछा कि अपना जो है आईडी कार्ड वगैरह जो है वो दिखाओ, ठीक है। तो आईडी कार्ड वगैरह इनको दिखाने के लिए बोला, तो इन्होंने क्या किया जो है आईडी कार्ड वगैरह दिखाया, वैसे तो ये डर गए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, डर के हमारा वो नहीं जम जाते हैं जैसे, ठीक है, वैसे जम गए थे। उसके बाद इन्होंने अपना क्या है आईडी कार्ड वगैरह दिखाया, और आईडी कार्ड वगैरह दिखाने के बाद क्या है वो जो जो भी यूनिफॉर्म में अधिकारी थे मिलिट्री यूनिफॉर्म में, ठीक है, उन्होंने इनको सल्यूट किया, ठीक है, और इनको यहाँ से जाने दिया, ठीक है। तो जाने दिया, और जैसे ही फ्रैंक ने क्या किया था अपना जो हाथ हिलाया, तो वैसे ही वो जो तीन बंदे थे वो डिसअपियर्ड हो गए, यानी कि गायब टाइप हो गए, वो अंधेरी जगह थी जैसा कि मैंने आपको ही बताया, अंधेरी जगह थी तो वो गायब हो गए, जैसे इनको लगा कि गायब हो गए, और कुत्तों की भौंकने की जो आवाज़ है वो आ रहे थे। तो अब इनको ऐसा लगा कि अब जो है यहाँ पर ये थोड़े जो है सुरक्षित महसूस कर रहे थे, ठीक है, और इनको लगा कि ये सबसे मोस्ट डेंजरस जो चेक पॉइंट था जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ से ये सेफली तरीके से अपना बच गए हैं। और इन्होंने फिर लास्ट में क्या लाइन लिखी, आई विल नेवर फॉरगेट दैट हॉरिबल, एंड इनको क्या है यहाँ पर सबसे इनके लिए क्या है ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल नाइट था, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि मैं इस खतरनाक रात को कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है, खतरनाक और भयानक रात जो भी थी इनके लिए,
ये इनको कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो स्टोरी है वो होता है, सैम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया सभी चीज़ों को, और उसके बाद कैसे मेन बॉडी थी, और कैसे लास्ट में जो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर वो लिखी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सैम्पल पढ़ोगे तो आपको जो यूनिट है उसमें आपने जो भी पढ़ा है वो सारा जो आपको क्लियर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की चीज़ें हैं। यूनिट जो है आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, हमें कुछ पूछना है तो वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो आपकी यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुकी है, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।